चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिस्टर मिसेस गर्ग से। आइए प्लीज आइए आइए भाई साहब। रेडी रेडी ऑल द बेस्ट। चलिए भाभी जी क्या उठा रहे हैं? क्या उठा रहे हैं? हल्दी पहली चीज मिल गई। नहीं मारो फेंक के भाभी जी सर पे। आलू उठाना जा। क्या ये क्या है भाई साहब? वैसे ये चॉकलेट सॉस है। हो पता है। क्या खिला रहे हो? चटनी डाल। पूरा हो गया आपका? रेसिपी हो गई पूरी? हो गई रेसिपी? चलिए पहले पूरे होने। वाह वाह टेस्ट करवाइए मुझे। चलिए देखते हैं। अच्छा आप मनी कर रहा है तो फिर लीजिए। अच्छा है ना? नॉट बैड। हाँ आलू और चटनी अच्छी लगती है। ईट इट विथ राइस एंड ब्रेड। वो जो काटी है शिमला मिर्च वो क्यों नहीं डाली? ऐसा है जब हम काम करेंगे इतना तो वेस्टेज होगा। मान के चलो। चलिए बड़ा मजा आया आपको खेल खिलाकर। यहाँ पर आप आइए आइए। चलिए ये हमने खीरा उठाया। वाह मुंबई में ककड़ी बोलते हैं इसको। चॉप करना है। आज देखते हैं आप अपने बनाए हुए खाने को कितना जबरदस्त बनाते हैं। इसको स्लाइस करना है। बारीक बारीक स्लाइस करना। कीमा बना देना इनका। पील मैश। इसको इसमें डालना है। ओहो किचन में काम करते हैं भाई साहब। इसमें डालना है। ओके इतने से मिर्ची चटनी? नहीं नहीं कम नहीं ठीक है वो। और लाल मिर्च, धनिया, थोड़ी सी चटनी, गार्लिक पेस्ट है उसमें मिक्स है, टमाटो। भाभी जी बताओ ना कहाँ क्या है? ये इसमें डालूं? रोल करना है। हाँ जी क्या खबर? डन हो गया। वाओ आइए। आप दोनों ने गेम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो मिस शर्मा जी अब बारी है मार्क्स देने की। बिल्कुल ऐसा है मैथ्स के पेपर में आंसर चाहे नहीं मिले अटेम्प्ट के स्टेप की मार्किंग होती है। ध्यान रखना स्टेप की मार्किंग होती है पूरी पूरी। और क्वेश्चन हार्ड हो ना तो ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। और दूसरा अगर दूसरी क्लास वाले को आठवीं का पेपर दे दो तो और भी ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। वो तो प्रोफेशनल घर में काम करते हैं उनको नंबर दे के आपने क्या किया। शुरुआत करते हैं घर भाई साहब के पिज्जा से। कंजूस हैं आप? चटनी इतनी सी लगाई आपने पिज्जा पर? ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाउ कुड यू? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई। तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई। और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू? हाउ डेयर यू? और नहीं माई माई सुनो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। यहां ध्यान दो।
यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से